अशोक सिंह को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। न्यूज 24 एमपीसीजी ने अशोक सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम समीकरणों को साधते हुए जहां पर 4 सीटें बीजेपी के खाते में तो 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, लेकिन न्यूज 24 एमपीसीजी पर अशोक सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और आगे की रणनीति पर भी वो बात करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया अशोक सिंह को, कुछ देर के बाद वो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, नामांकन करेंगे। मेरे साथ अशोक सिंह है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज आपके लिए काफी बड़ा दिन, पूरे आपके अभी तक के सियासी करियर की बात की जाए तो। मैं केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और सभी वरिष्ठ, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मेरा प्रयास होगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। कार्यकर्ताओं को भी हमसे बहुत आशाएं हैं, वो भी हम पूरा करने का प्रयास करें। सर, आपको जिम्मेदारी तब दी जा रही है जब अब ये तय है कि 5 साल विपक्ष में रहना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर। संघर्ष काफी लंबा आपका भी रहा है और अभी संघर्ष और लंबा रहेगा, किस तरीके से एकजुट रखेंगे क्योंकि दल बदल का खेल भी हम देख रहे हैं। नहीं, अभी अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि थोड़ी सी निराशा है क्योंकि उन लोगों ने जी जान से काम किया था, मेहनत की थी और अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, उसके कई सारे कारण हैं, उसकी समीक्षा चल रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और निराश होने वाला लोग नहीं है। सर, ये कांग्रेस ने लंबा संघर्ष आज़ादी के लिए किया है तो वो बहाना कांग्रेस, हर कांग्रेसी के मन में है और मेरा प्रयास रहेगा कि इस मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान रखूं। ग्वालियर चंबल को लेकर क्या रणनीति रही, क्योंकि आप ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा में हमारा नतीजे अच्छे रहने वाले हैं, ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यानी लोकसभा में से खाता खुलेगा ग्वालियर चंबल? निश्चित तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक सिंह, कुछ देर के बाद यहाँ से नामांकन के लिए निकलेंगे, तमाम नेता कांग्रेस के रहेंगे उनके साथ और ये कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद कांग्रेस ने ऐसे नेता को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और कई पदों पर संगठन में रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबराय।